दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास गूगल को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज जरूर दोस्त पॉली हेलोजन कंपाउंड में बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होगी तो BHC, बी से होगी आपका बेंजीन, एच से होगी आपका हेक्सा और सी से होगी आपका दोस्त क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को क्या बोलते हैं? BHC। अब यहाँ पर देखिए दोस्त अदर नेम, आखिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दूसरा नाम है आपका गेमेक्सिन, तीसरा नाम है आपका लिंडेन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बोलते हैं 666। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन, आखिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड को तैयार कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए दोस्तों बोलता है कि जब बेंजीन में क्लोरीन को ऐड करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों ये हो गया आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, यहाँ पर C6 लिख दिए। इस कार्बन के पास देखिए दोस्तों 1, 2, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड अभी भी खाली है, इसका मतलब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर लिख दिए H6। क्लोरीन गिनते दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस कंपाउंड में 6 क्लोरीन एटम है, यहाँ पर Cl6 लिखी। तो C6H6Cl6 को ही बोलते दोस्त बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यहाँ Cl2 तक Cl2 लिखिए दोस्त, यहाँ पर आपका सनलाइट था तो सनलाइट लिखिए। इस तरह हमारे दोस्त बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। आइए दोस्त इस रिएक्शन को देखते हैं। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन था तो यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन लिखिए। 6 कार्बन के साइक्लिक चेन को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन और पाई बॉन्ड यहाँ पर अल्टरनेट पोजिशन पे, यहाँ लिखिए पाई बॉन्ड। तो बेंजीन के रिंग में 3 पाई बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजिशन पे। फिर बेंजीन का रिएक्शन दोस्त क्लोरीन के साथ करना है सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पर दोस्त 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है तो यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन लिखिए। तो यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है तो C6 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है उसी तरह एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़े दोस्त 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट हुआ। फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़े 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोस्त क्लोरीन का 2 एटम है, क्लोरीन के आगे 3 से गुना कर दिया था, 3 × 6 क्लोरीन हो गया। इन 6 खाली बॉन्ड में क्लोरीन लगा दिए, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, ये हो गया 5 क्लोरीन, ये हो गया आपका 6 क्लोरीन। कार्बन का नंबर 6 था तो C6 लिखिए। इस कार्बन के पास 1, 2, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब हर कार्बन के पास 1-1 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर 1-1 हाइड्रोजन एटम दिखा दिए हर कार्बन के पास। फॉर्मूला में आगे C6H6, सभी कार्बन के पास 1-1 क्लोरो ग्रुप है, यहाँ पर दिए CH6। यहाँ पर देखिए दोस्त बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया C6H6Cl6। यहाँ पर 3 × 6 का यूज किया गया है इसलिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को प्यार से 666 भी कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिए दोस्त, आखिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज कहाँ करते हैं? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज हम पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो साइड है ना, साइड का मतलब होता है किल करना, और पेस्ट का मतलब होता है प्लांट्स, पेड़ पौधा में जो कीड़ा मकोड़ा लग जाता है ना, तो उस कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए जिस केमिकल सबस्टांस का यूज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं पेस्टिसाइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा वेस्ट्रॉन। तो वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रॉन का फॉर्मूला हो गया दोस्त, दो कार्बन होना चाहिए और दोनों कार्बन के पास दो दो तो क्लोरो ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, दो कार्बन का प्रिंसिपल चेन हो गया। वन पर क्लोरो है, टू पर क्लोरो, टू पर क्लोरो है। तो यूपेक ने में सबसे पहले हम लोग ब्रांच के नाम लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। तो वेस्ट्रॉन का यूपेक नेम हो गया 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। अब बोलो दोस्त, वेस्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। अब बोलो दोस्त, वेस्ट्रोसोल के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर भी दो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास दो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन के पास एक क्लोरो ग्रुप। तो हम सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। यहाँ पर वन पर क्लोरो, टू पर क्लोरो है, 1 1 2 ट्राई क्लोरो लिखिए। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए ई। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 1 2 ट्राइक्लोरोइथेन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, बोलता है वेस्ट्रोसोल आर नॉन इनफ्लेमेबल लिक्विड्स। वेस्ट्रोसोल दोस्त अज्वलनशील द्रव है, मतलब इसका यूज हम लोग आग बुझाने के रूप में भी करते हैं। और वेस्ट्रोसोल एक तरह का क्या है, आपका सॉल्वेंट है। देखिए दोस्त, एक ऐसा कंपोनेंट जहां पर सॉल्यूट की तुलना में सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो, वही हमारा घोलक कहलाता है। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या हो गया, खत्म।